पहाड़ वाली ट्रिप पे जा रहे हैं। नींद खराब कर दी रात में, पता चला तीन लेन है और तीनों लेन में ट्रक एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, पीछे वाला इधर उधर से कट मार रहा है कि भाई निकल जाने दो। स्पोर्ट मोड शायद ही एक बार दो बार लगाया हो, जस्ट फॉर यू नो अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर क्या उसका पावर आ रहा है, और वो लगाते ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पावर है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग नहीं है अभी, अभी तो रात के एक बज रहे हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एक पहाड़ों वाली ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो वो ट्रिप जो है वो शुरू हो चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी कि हस्बैंड ने बताया कि हम लोग पहाड़ वाली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो यस दैट्स ट्रू, हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कि ये पहाड़ वाली ट्रिप कहाँ ख़त्म होती है। ये सरप्राइज है मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी, तो लेट्स एंजॉय। अरे ये भी तो बता दो कि नींद खराब कर दी रात में। नींद खराब तो हुई है, लेकिन कुछ खराब करेंगे तो कुछ अच्छा भी होगा, तो कोई नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। तुम लोग तो अभी यहाँ पे सो जाओगे आराम से। अभी कुछ देर में मैं और कुछ तो सो जाएंगे, हस्बैंड की वॉट लगने वाली है आज। भाई मेरे को देखो ड्राइविंग पसंद है, और इस समय तो खाली रोड मिलेगी तो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। ड्राइविंग पसंद तो है, बट हाँ ऑटो पार्किंग में लगाएंगे, तो क्रूज लगाएंगे ना, क्रूज लगा के गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी का नाम है टाटा सफारी। तो आज हम लोग अपनी टाटा सफारी से फर्स्ट पहाड़ी वाली ट्रिप कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी आइए हम लोग के साथ एंजॉय करिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा से जो पेरिफेरल हाईवे है इस पर चढ़ चुके हैं, और अब हम लोग सोनीपत पानीपत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी रात है, हमारा बस थॉट ये है कि चंडीगढ़ तक हम लोग मॉर्निंग होते होते पहुंच जाएं, तो हमारा जितना भी प्लेन वाला रास्ता है ये नाइट में ख़त्म हो जाए, और पहाड़ों में वैसे भी इतनी भीड़ नहीं होती है, तो फिर वो वाला रास्ता मॉर्निंग से एंजॉय करेंगे विद द सनराइज। सो अब जो हमारा पेरिफेरल है ये 120 की स्पीड इसकी बता रहा है, सो मैंने यहाँ पर अपनी स्पीड 111 पे सेट कर रखी है। बहुत ज़्यादा जल्दी जाके भी क्या ही करना है, तो आराम से हम लोग ने क्रूज सेट कर लिया है और उसी से हम लोग जा रहे हैं। पहले मुझे लग रहा था स्टार्ट करने से पहले कि पेरिफेरल है, हाईवे है, या तो ये खाली मिलेगा या तो इस पे ट्रक्स का ट्रैफिक मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का खाली है, बट बीच बीच में पैचेस हैं जहाँ पर ट्रक्स जो है ना वो आपस में रेस लगा रहे हैं, ऐसा अपना जो जयपुर वाला हाईवे है ना उस पर भी होता है। तो थॉट वहीं से आया था कि ऐसा ही होगा, और कुछ कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है, सब आपस में रेस लगा रहे हैं। पता चला तीन लेन है और तीनों लेन में ट्रक एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे वाला इधर उधर से कट मार रहा है कि भाई निकल जाने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट वही है, उनको भी जल्दी पहुंचना है। नहीं, ट्रक्स के भी तो रेसिंग होनी चाहिए। रात में एक्चुअली ट्रक रात में ही निकलते हैं, मुझे इसलिए इसका ज़्यादा आइडिया है क्योंकि मेरे पापा कहीं पे दो ट्रकें थी, तो उससे मैं मुझे ये पता है कि ट्रकें रात में ही ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि रात में सड़कें खाली रहती हैं, तो ट्रक्स मंगाने में उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। दिन में वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाते बिकॉज ट्रैफिक होता है, रात में तो सड़कें एकदम खाली खाली प्लेन खुली खुली होती है, तो बस ट्रक्स को भी अपना रेस लगाने में मज़ा आता है, और ट्रक अपना जहाँ उन्हें पहुँचना होता है वो पहुँच भी जाते हैं।
तो ये कहानी है रात में ट्रकों की। हाँ सही है, ये भी ठीक है भाई, हम लोग तो उनके टाइम पे निकले हैं ना, तो हमें ही थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख करके चलना पड़ेगा। हम लोग बस अब मूर्थल पहुंचने वाले हैं, पेरिफेरल से तो उतर गए थे, और रात में आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे भी ट्रक्स का वही वाला माहौल चल रहा है। कुछ ढाबे वाबे आ गए अपने, पहलवान ढाबा, गुलशन ढाबा, मूर्थल ढाबा, लेकिन हमें अभी रुकना नहीं है किसी भी ढाबे पे, हमें अभी डिस्टेंस कवर करनी है। बताओ जी बीवी, रुकना है, कुछ खाना है? हाँ तो बस अभी तो हम आगे जाएंगे और आगे थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर देखते हैं कुछ खाना हो तो खाएंगे या पियेंगे। ये यार टोल पे देखो हम लोग यहाँ फंस गए हैं, आगे सबसे आगे जो गाड़ी है वो पता नहीं उसका या तो स्कैन नहीं हो रहा है या उसके अकाउंट में फास्टैग में पैसे नहीं है, पता नहीं वो कभी आगे कर रहा है कभी पीछे कर रहा है। बगल वाली लाइन अभी निकल रही थी तेजी से, अपनी वाली लाइन जो है वो भी रुकी हुई है। देखो अब चलना स्टार्ट हुआ है, भाई गए हैं अभी जा करके कुछ बता के आए हैं। चलो यार निकला जाए। तो भाई लोग इस समय सुबह के बज रहे हैं 6:15 और हम लोग मनाली वाले रोड पे ही हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, दूर दूर तक आपको गाड़ियां भी नहीं दिख रही, इक्का दुक्का कुछ दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, इस टाइम पे नहीं है। ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और सही हुआ जो मैंने पहले गाड़ी स्टार्ट कर ली, पहले हम लोग निकल लिए, नहीं तो इसमें हम लोगों को ट्रैफिक में फंसते ज़्यादा टाइम लगता। ये देखो एक बाइक वाला दिखा, एक कार वाला भी दिखा भाई, अब क्योंकि सवेरा हो रहा है तो लोग दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक की ड्राइव काफ़ी बढ़िया रही है हम लोगों की, ट्रैफिक उतना रहा नहीं, बस वो ट्रक वाला खेल आप लोगों ने देख ही लिया वो था, उसके बाद तो फिर माला के पास से तो फिर काफ़ी सही चल रहा है। और जैसे मनाली वाली रोड के ऊपर आए तो वो तो और ही क्लीन क्लियर बढ़िया हो गया। भाई गाड़ी की जो लाइट्स चेंज करवाई थी उसका भरपूर फायदा लिया जा रहा है कि लाइट जो है ना एकदम बढ़िया से रोड पे एकदम फैल करके पड़ रही है, और कहीं भी ये दिक्कत नहीं हो रही कि कुछ सही नहीं दिख रहा है या कुछ कम लग रहा है। एलईडी बल्ब्स अपग्रेड करवाना वर्थ रहा, बाकी खुशो और मैडम जी दोनों लोग सो रहे हैं, और मैं अपना क्रूज पे गाड़ी चला रहा हूँ। इस रोड का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 80, और मैंने भी 80 पे ही सेट कर रखा है अपना क्रूज, तो बढ़िया एकदम गाड़ी मस्त चल रही है। अभी गाने मैंने चलाए थे, अब ये लग रहा है कि थोड़ी देर शांति में भी चला लिया जाए। तो भाई लोग अब पहाड़ों में चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब हम लोग जो है चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, और सवेरा भी होने वाला है। मैं ये लाइट जो है बंद करूं तो आप देखो, ये देखो पहाड़ दिख रहे हैं अब, तो बस अब कार्यक्रम शुरू हो गया है।
हम लोग अभी यहाँ पर एक ढाबे पे रुके हैं, सुबह का ही टाइम है आपको तो मैंने बताया था, तो बस अब हम लोग अभी यहाँ ढाबे पे रुके हैं, यहाँ अपना नित्य कर्म किया जाए और कुछ खाया पिया जाए। तो देखो आते तुरंत जैकेट डाल ली गई, इस समय 11 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, और अपनी बीस्ट देखो पीछे खड़ी है, और सन जो है वो यहीं से आने वाला है, ईस्ट इधर ही है। सो बस अभी यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता करेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। अपना जो हाईवे है देखो ये सामने ही है, ये देखिए हाईवे जो है सामने ही है, तो हम लोग इस तरफ से आए हैं और इधर अभी हमें जाना है, और बीस अपना खड़ा है ये। तो भाई इस समय ना धुंध भी आने लग रही है, अभी 8 बजे नहीं है हमारे, कापी के तो निकल लिए, तो कहीं धूप है कहीं धुंध है। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो में दिख रहा होगा, नॉट श्योर कि कितना अच्छे से कैप्चर होगा, लेकिन मैंने इसीलिए कैमरा उठा दिया है कि आपको जरा दिखे कितनी धुंध आ रही है इस समय। ओके ये देखिए एकदम रोड पे पूरे धुंध आ रखी है, कैमरा उतने अच्छे से निकाल नहीं रहा है क्योंकि कैमरे को आदत है चीजें क्लियर करने की, तो सब साफ सुथरा करने में लगा हुआ है अपने सारा AI लगा करके आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश है। बट अगर आप हल्का सा देखो ऊपर की तरफ तो ये जो आपको धुंध वाले बादल दिख रहे हैं ये वो ही है। ये भी अच्छा लग रहा है, सुबह भी अच्छा लग रहा है, पीछे काफी धूप थी, सूर्य भगवान जी पूरे दिख रहे थे। यहाँ पर देखो काम तो चलता ही रहता है ऑल द टाइम, पहाड़ों में जाने का घूमने का मजा वहां पहुंचने से ज्यादा उनके रास्तों में है। सफर का मजा है सफर का। तो हम लोग भुंतर पहुंच गए हैं अब, और इससे अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हम लोग अब कहां जाके रुकेंगे। जी हाँ हम लोग पहुंच रहे हैं मनाली, बट मनाली में जहां रुकने वाले हैं वो भी एक बढ़िया जगह है। कहां रुकने वाले हैं वहां पहुंच के आपको बताते हैं, और यहां के नज़ारे आप देखिए, पहाड़ एकदम साफ सुथरे, और अभी हमें स्नो पीक्स भी दिख गए थे वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसमें और अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, इधर मतलब रोड्स बहुत क्लीन है, बहुत बढ़िया रोड्स हैं, और इतनी चौड़ी रोड्स है लग ही नहीं रहा है कि हम पहाड़ में, मतलब ये अच्छी फीलिंग भी है, और एक वो भी है कि मतलब अपनी गाड़ी को और अच्छे से टेस्ट कर पाने वाली चीज जो है वो यहाँ उतने अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ रोड्स हैं, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। मैंने इसमें स्पोर्ट मोड शायद ही एक बार दो बार लगाया हो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर क्या उसका पावर आ रहा है, और वो लगाते ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पावर है। इसमें तो नॉर्मल सिटी मोड में ही अपनी सफारी मस्त चल रही है। बट जो भी है मज़ा आ रहा है नज़ारे देख करके, क्लीनलीनेस, वाइड रोड्स, और हम लोग मनाली से बस 49 किलोमीटर दूर हैं।
मनाली हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग स्नो पीक्स यहाँ पे देख रहे होंगे, और बस हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं क्लब महिंद्रा। तो भाई लोग, मैं आ गया हूँ फिर अपने होटल में, जो कि क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट है, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो स्नो पीक्स का है। हम निकल रहे हैं नोएडा से। इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है, आहा। So, आज का वीडियो हम कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में और अभी बज रहे हैं एक, तो हम लोग 1 बजे स्टार्ट किए थे, 1 बजे पहुँचते हैं, तो 12 घंटे में गाड़ी लगा दी। बीच में हम लोग रुके भी थे 2 बारी, तो टाइमिंग सही है। ये भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? रिजॉर्ट अच्छे लग रहे हैं, रिजॉर्ट के बाहर का व्यूज अच्छा लग रहा है, रिजॉर्ट के लोग काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, काफ़ी हॉस्पिटेबल हैं। क्लब महिंद्रा है तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि कितने हॉस्पिटेबल रहते हैं, गुड एक्सपीरियंस विद देम। और यह ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हल्का हल्का मज़ा आ रहा है, तो चलो अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुश हो, बाय करिए, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।